तो मैं उसके बाद ये डिसाइड किया कि मैं एक भी अब इंटरव्यू नहीं दूंगा। लेकिन जब मैं अभी कुछ दिन पहले घर गया तो मेरी माँ खुद बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी माँ खुद बोली कि आजकल कुछ बोलत नहीं क्यों, हम घर वर रहे तो सुन लीला कि क्वेश्चन बड़ा उतार के देख लीला है करा होकर मैं मोबाइल में दिखावे ला। हमने फिर माँ को बोला कि माँ इंडस्ट्री के लिए हम भले कड़वे हो सकते हैं बट तुम जानती हो कि हम कैसे हैं, वो हम लोगों के बड़े भाई हैं, एक गार्जियन हैं, हमेशा उनसे कुछ ना कुछ हम क्या पूरी भोजपुरी पूरी इंडस्ट्रीज के कलाकार सीखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ और आज हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर एक्टर राकेश मिश्रा जी हैं। कैसे हैं? सबसे पहले तो भोजपुरी नेशन को सुनने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई कि नेशन में पेंशन का भी इंतजार करिएगा आपको। क्या बात है, बहुत मतलब पेंशन का मतलब ये है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ ये नया खबर देंगे। तो बहुत दिन के बाद इनसे मुलाकात हुई है, तो आप सबको, आपको और आपके इस चैनल को सबको प्रणाम। अरे भैया, लहंगा में पिस्टल, इसका राज क्या? पिस्टल पे लहंगा, पिस्टल पे लहंगा। अच्छा, लहंगा में पिस्टल होना चाहिए लेकिन पिस्टल पे लहंगा क्यों कर दिए? अब हम का बोली। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भाई भी गलत नहीं है। भाई को नहीं बता रहे हैं रोशन जी, मैं भाई गलत नहीं है, भाई भी सही है। हुआ क्या कि भाई को लगता है ना कि लगभग तो लोग इसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना भोजपुरी सिंगिंग में, कि नाम जितना खराब रखेंगे उतना ज्यादा, ऐसा नहीं है। पिस्टल पे लहंगा, लहंगा और पे और पिस्टल, इन तीनों का बहुत कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा। और ये टाइटल ही रखा गया थोड़ा यूनिक के लिए। आज सबका सर्चिंग आ रहा है ना कि भाई क्यों ऐसा क्यों, बहुत सारे जगह इसका कंट्रोवर्सी भी है कि क्यों ऐसा हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और इसी के चलते हमको राकेश मिश्रा ऑफिशियल से ये गाना लाना पड़ा। अच्छा। क्योंकि मैंने इसके लिए बिलीव से परमिशन लिया, जो CMS देखते हैं, मैंने पूरी टीम के साथ वर्किंग लगातार हार्ड वर्क किया। तो हम लोग सोचने लगे कि भाई अलग इधर उधर देंगे तो पता नहीं 10 तरह के सवाल होंगे, बट अच्छा है। आज आप लोग के बीच में आप लोग देखे भी, गाना कैसा लगा? गाना तो बहुत अच्छा है। इसमें आप जेल में कैदी हैं और साथ में ही इसमें जो सन्नी बाबा और स्वैगी सिंह राजपूत भी नज़र आ रहे हैं, उसके लिए सन्नी बाबा और स्वैगी सिंह दोनों मेरे छोटे भाइयों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। उन दोनों ने मुझे एक बड़े भाई के तौर पर अपना गिफ्ट दिया, आए थे वो शूट किए और मुझे इन दोनों का ना पर्सनैलिटी और करेक्टर ना मुझे शूट कर गया। तो इसमें रिंकू भैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इन्होंने बोला और वो लोग काम कर दिए और वो लोग आने भी वाले थे बट शायद कुछ फैमिली और हाँ उनके घर पे मम्मी उम्मी का बर्थडे था तो नहीं आ पाए। बट मेरे तरफ से मैं भगवान तो हूँ नहीं, एक इंसान के तौर पे एक छोटे मोटे कलाकार हूँ, ढेर सारा शुभ आशीर्वाद। आप लोग जहाँ रहिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए। अच्छा, पहले तो बिना देरी के दो लाइन गाना हो जाए ताकि हमारे दर्शकों में चार चांद लग जाए। कि जल्दी लेके जमानत हम बाहर आई, ये रंगबाज जैसा गा रहा है। अच्छा, लेकिन अभी नहीं पत्रकार भाई से प्रेम है। कि अपना पिस्टल से महंगा तुहर लहंगा लाई, क्या बात है। गाना तो बहुत शानदार है जिस तरह से बनाया गया है। कहीं ना कहीं राकेश मिश्रा जी, बहुत दिन बाद नहीं लगता है कि इस तरह का चटक मटक लाए हैं। इससे पहले आपने भीड़ में तन्हाई गाया, उसका भी देखें उतना कुछ रिस्पांस जो होना चाहिए नहीं मिला, जितना बढ़िया गाना था वो। वैसे राकेश मिश्रा के बारे में एक चीज़ तो आपको पता भी होगा या जान लीजिए आप, थोड़ा क्या है, हो सकता है कि हम जब से गा रहे हैं तब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप भोजपुरी में आए होंगे। जी, राकेश मिश्रा दुनिया का सबसे बड़ा पेशेंस वाला गायक है। जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं गाना इसलिए गाता ही नहीं हूँ कि पहले दिन ये कर देगा वो कर देगा, नहीं, जब करना होगा तो 6 महीना बाद भी पूरे दुनिया में तहलका कर देता है, कर देता है। जब बाजे का होला तब बाजी। गीत हमेशा गाना है, आपको किस पे भरोसा करना है? जिस तरह आपको अपने माइक पे भरोसा है, हमको अपने गीत पे भरोसा है। गाएंगे तो गीत ही। अच्छा। तत्कालिक स्वार्थ के लिए आज 2 दिन में हमारा खूब लोग जान जाए, करा खाती हो काम हमारा से जिंदगी में ना हुई बात भी। हाँ। हाँ। अच्छा, आरा जिला से बिलोंग करते हैं राकेश मिश्रा जी, आरा जिला पे बहुत कम गाना देखने को मिलता है आपका। हाँ, देखिए आरा जिला पे गाना कम देखने को, ज़्यादा देखने को मिलता है उससे मतलब नहीं है। हम उसी कॉन्सेप्ट को टच करते हैं जो हमको समझ में आता है। जब तक कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आएगा तब तक हम टच नहीं करते। आरा जिला जैसे पवन सिंह है, पवन सिंह अक्सर जब आरा जिला पे गाते हैं तो आपको भी गाना चाहिए। देखिए, एक तो पहली बात कि इंडस्ट्रीज और सबका अपना अपना काम करने का तरीका अलग होता है। वो हम लोगों के बड़े भाई हैं, एक गार्जियन हैं, हमेशा उनसे कुछ ना कुछ हम क्या पूरी भोजपुरी पूरी इंडस्ट्रीज के कलाकार सीखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
उनका अपना तरीका है काम करने का, हमारा अपना तरीका है काम करने का, सबका अपना अपना तरीका है, और हम अपने जोन से बाहर नहीं जा सकते हैं। क्या बात, हमको अलग सोचना है ना, तो अलग ही सोचना है। बगल में म्यूजिक डायरेक्टर आप रोशन सिंह जी भी हैं, इस गाने को कैसा लग रहा था कि जब आया था आपके पास? तो यही दिए थे, पास नहीं आया था। यही दिए थे, इसके उत्पत्ति करता यही है। अच्छा अच्छा, अभी आप भी गाना गाए हैं? अरे वो सब चलने तो ठीक। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल रहेगा भैया, थोड़ा करवा रहेगा। रोमांटिक लड़का बोल। नहीं 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 भैया, एक बहुत, अरे एक सवाल लेना पिस्टल पे। अरे जरूर जरूर, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, थोड़ा करवा रहेगा, ठीक है? ये सवाल ये रहेगा कि पत्रकार को आप इंटरव्यू नहीं देते, क्या कारण है ऐसा? हम नहीं देते थे, नहीं देते थे, ये भी बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम बंद कर दिए थे, उसका कारण है, पहली बार किसी भाषा के पत्रकार को देखा कि कलाकारों के पास जाके और कहते हैं कि उनकी माँ को गाली दो, उनके बाप को गाली दो, उनके खानदान का नाम धरो, और बाहर पत्रकारिता, वाह 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 वाह, इन लोगों को तो मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार देना चाहिए, ऐसे यूट्यूबर पत्रकार हम नहीं देखे थे। लड़के हों लड़कियाँ हों, गाली दिवा के और अपना व्यू जा रहे थे, इतना खुश हैं, ओ माई गॉड, मेरा 8 लाख पहुँच गया, आज राकेश मिश्रा के माँ को गाली दिवाए, आ हा हा। हमने बोला धन्यवाद। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मदर फादर फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट प्रायोरिटी संगीत, नॉट प्रायोरिटी लोग, नॉट प्रायोरिटी मीडिया, मेरे माँ बाप से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। क्या बात, और यह हर बच्चे के लिए नहीं होता है। तो मैं उसके बाद ये डिसाइड किया कि मैं एक भी अब इंटरव्यू नहीं दूंगा। लेकिन जब मैं अभी कुछ दिन पहले घर गया तो मेरी माँ खुद बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी माँ खुद बोली कि आजकल कुछ बोलत नहीं, क्यों हम घर वह रहे तो सुन ली लानू कि कैसन बड़ा तार देख ली रहा है, करा मैं मोबाइलों में दिखावे ला। हमने फिर माँ को बोला कि माँ, इंडस्ट्री के लिए हम भले कड़वे हो सकते हैं, बट तुम जानती हो कि हम कैसे हैं। हम पूरे बिहार में, हम अपनी माँ से बोले कि हम पूरे बिहार में कभी किसी से जात पूछ के पैसा नहीं डाले थे। माँ उठ पे भी सवाल उठ गया, मैं जब जब आगे आया हूँ बिहार में एक भोजपुरी कलाकार के तौर पे कि किसी गरीब का शादी करा दूँ, किसी का पैर टूटा तो पैसा डाल दूँ, किसी के लिए आवाज़ उठा दूँ, तब तक मेरे पे इतना ना जातिगत हमला हो जाता है, इतना ना गंदी गंदी चीज़ें हो जाती हैं कि मैं फाइनली डिसाइड किया कि अब इन सब चीज़ों से हट जाना है भाई। यहाँ का जब यही रीति है कि न जिएंगे न जीने देंगे, अच्छा करोगे तो उसमें भी उंगली करेंगे, तो करना ही नहीं, हट जाओ भाई। जाते जाते भैया दर्शक से क्या कुछ कहना चाहिएगा? जाते जाते यही कहेंगे, पिस्टल पे लहंगा गाना हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत से बनाया है, आप चाहें किसी के भी फैन हो, हम सीधा बोल रहे हैं, लेकिन इस गीत को एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि आपके भोजपुरी के लिए एक अलग तरह का ये नया गीत है और नया बदलाव है, और राकेश मिश्रा ऑफिशियल चैनल पे जाके ही देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए, इनको गाने को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। देखते रहिए भोजपुरी नेशन में, आप सबका भाई गौरी शंकर।